हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के सन 2000 में रिलीज हुए टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहली मूवी है कौन ना प्यार है, जो रिलीज हुई थी 14 जनवरी 2000 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे ऋतिक रोशन, अमीषा पटेल, जॉनी लीवर, अनुपम खेर, दिलीप ताहिल, आशीष और मनीष बहेल। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राकेश रोशन ने। और इस फिल्म का बजट रखा गया था 10 करोड़ रुपए और इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 44 करोड़ 27 लाख है और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। बात करें दूसरी फिल्म मोहब्बतें की, जो रिलीज हुई थी 27 अक्टूबर 2000 को। और इस फिल्म में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल, जुगल हंसराज, अनुपम खेर, अमरीश पुरी, शमिता शेट्टी, प्रिया गिल और प्रीति। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने। और इस फिल्म का बजट रखा गया था 19 करोड़ रुपए और इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 41 करोड़ 88 लाख है और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। बात करें तीसरी फिल्म मिशन कश्मीर की, जो रिलीज हुई थी 27 अक्टूबर 2000 को। और इस फिल्म में नजर आए थे संजय दत्त, ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा और जैकी श्रॉफ। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विधु विनोद चोपड़ा ने। और इस फिल्म का बजट रखा गया था 20 करोड़ रुपए और इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 22 करोड़ 58 लाख है और एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। बात करें चौथी फिल्म की, दुल्हन हम ले जाएंगे, जो रिलीज हुई थी 24 मार्च 2000 को। और इस फिल्म में नजर आए थे सलमान खान, करिश्मा कपूर, ओम पुरी, परेश रावल, अनुपम खेर और जॉनी लीवर। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने। और इस फिल्म का बजट रखा गया था 11 करोड़ और इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 18 करोड़ 85 लाख है और ये एक हिट फिल्म साबित हुई थी। बात करें पांचवी फिल्म जोश की, जो रिलीज हुई थी 9 जून 2000 को। और इस फिल्म में नजर आए थे शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और चंद्रचूड़ सिंह। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मंसूर खान ने। और इस फिल्म का बजट रखा गया था 16 करोड़ रुपए और इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 17 करोड़ 83 लाख है और एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। तो दोस्तों, अभी तक 5 मूवी हो गई है। कभी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार अभी तक सब्सक्राइब कर लो और वीडियो कभी आपको पसंद आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। छठी मूवी है रिफ्यूजी, जो रिलीज हुई थी 30 जून 2000 को। और इस फिल्म में नजर आए थे अभिषेक बच्चन, करीना कपूर, जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी। और इस फिल्म डायरेक्ट किया था जेपी दत्ता ने। और इस फिल्म का बजट रखा गया था 15 करोड़ रुपए और इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 17 करोड़ 8 लाख है और एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। बात करें सातवीं फिल्म बादल की, जो रिलीज हुई थी 11 फरवरी 2000 को। और इस फिल्म में नजर आए थे बॉबी देओल, रानी मुखर्जी, आशुतोष राणा और अमरीश पुरी। और फिल्म को डायरेक्ट किया था राज कन्वर ने। और इस फिल्म का बजट रखा गया था 10 करोड़ रुपए और इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 15 करोड़ 38 लाख है और एक हिट फिल्म साबित हुई थी। बात करें आठवीं फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा, जो रिलीज हुई थी 4 अगस्त 2000 को। और इस फिल्म में नजर आए थे सलमान खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, परेश रावल। और इस फिल्म में शाहरुख खान एक कैमियो रोल में नजर आए थे। और इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था राज कन्वर ने। और इस फिल्म का बजट रखा गया था 13 करोड़ रुपए और इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 15 करोड़ 27 लाख है और एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। बात करें नौवीं फिल्म मेला की, जो रिलीज हुई थी 7 जनवरी 2000 को। और इस फिल्म में नजर आए थे आमिर खान, ट्विंकल खन्ना, फैसल खान और टीनू वर्मा। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था धर्मेश दर्शन ने। और इस फिल्म का बजट रखा गया था 18 करोड़ रुपए और इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 15 करोड़ 18 लाख है और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। बात करें दसवीं फिल्म की, जो है हमारा दिल आपके पास है, जो रिलीज हुई थी 25 अगस्त 2000 को। और इस फिल्म में भी नजर आए थे अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, अनुपम खेर, जॉनी लीवर, मुकेश ऋषि, सोनाली बेंद्रे, सतीश कौशिक, राजकुमार। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सतीश कौशिक ने। और इस फिल्म का बजट रखा गया था 9 करोड़ रुपए और इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 14 करोड़ 78 लाख है और एक हिट फिल्म साबित हुई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अपनी यहाँ तक वीडियो देख ली होंगी तो आपको वीडियो तो पसंद आई गई होंगी और वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको इन 10 मूवीज में से कौन सी मूवी पसंद है। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।